छत्तीसगढ़ के कांकेर में शनिवार को लापता हुए युवक का रविवार देर शाम शव मिला। वो दोस्तों के साथ धमतरी जाने के लिए निकला था। पहले तो उसके दोस्त उसे गुमराह करते रहे, लेकिन फिर युवक के नदी में डूब जाने की जानकारी दी। वहीं सोमवार को युवक की बाइक घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर जली हुई हालत में मिली। इसके बाद पुलिस ने दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से एक युवक की गर्लफ्रेंड का पूर्व प्रेमी बताया जाता है। मामला कोरर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कोदा गांव निवासी भावेश देवांगन उर्फ लकी अपने दोस्तों भद्रेवाटा निवासी उमा नागे और संजय नगर निवासी जसवर्धन उइके के साथ शनिवार को निकला था। उन्होंने गढ़ पिछवाड़ी निवासी विकास और कांकेर के रामनगर में रहने वाली लकी की गर्लफ्रेंड को भी साथ लिया। इसके बाद तीन बाइक पर पांचों छेड़छाड़ के आरोपी धमतरी में हस्ता निवासी एकांत साहू के पास बदला लेने के लिए पहुंचे, पर उसने माफी मांग ली और इसके बाद पांचों वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि रास्ते में वो रुद्र नहर पहुंचे और वहां से लकी को जमकर शराब पिलाई। इसके बाद वो उल्टियां करने लगा। इस पर उमा ने दोस्तों को पानी लेने के लिए भेज दिया। जब वो लौटे तो वहां पर लकी नहीं था। इस पर दोनों ने उसके बारे में पूछा तो उमा ने बताया कि वो नदी में डूब गया है, जिसके बाद सभी वहां से चले गए। उधर परिजन लकी को ढूंढने के लिए सोमवार को धमतरी पहुंचे। वहीं पूछताछ में गर्लफ्रेंड के पूर्व प्रेमी ने बताया कि वो नदी में डूब गया है। इस पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे, जहां घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर शाम करीब 6 बजे नहर में से लकी का शव बरामद किया गया। वहां पर लकी के कपड़े और घसीटने के निशान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि घुटने में चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम में डूबने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रख लिया है। उमा नागे ने पूछताछ में बताया कि लकी उल्टी कर रहा था, उसे देख दोनों दोस्त विकास और यशवर्धन पानी लेने गए और इसी दौरान लकी कपड़ा उतार कर पानी में कूद गया। बचाने के लिए वो भी कूदा, लेकिन लकी डूब गया। इसके बाद वो घबरा गए। लकी की बाइक लेकर जगतरा टोल नाका पहुंचे, जहां छोड़कर भाग निकले, जबकि लकी की बाइक घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर मोदे गांव में खेत में जली हुई हालत में मिली है। घर से निकलते समय लकी ने अपनी बहन से कहा था कि रायपुर से उसके दोस्त आए हैं, जिनके साथ वो जा रहा है। वहीं रुद्र थाना प्रभारी विनय पंपार ने कहा कि मामले में संदिग्ध छात्रा समेत तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। लकी का शव रुद्र नहर से बरामद किया गया है। भावेश देवांगन उर्फ लकी व उमा नागे के बीच 6 माह पहले गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद हुआ था। युवती पहले उमा की गर्लफ्रेंड थी, उससे रिश्ता तोड़कर लकी से दोस्ती कर ली थी। विवाद बढ़ा तो दोस्तों ने दोनों के बीच समझौता करवाया था।